हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ हिस्ट्री चैप्टर सेकेंड न्यू किंग्स एंड किंगडम। किस तरीके से जो पहले एम्पायर हुआ करते थे, जैसे कि आपने क्लास सिक्स में पढ़ा, वो अब सेवन्थ में आप पढ़ेंगे किस तरीके से न्यू डायनेस्टीज़ बन रही थी और किस तरीके से जो डायनेस्टीज़ था उसके अंदर न्यू न्यू किंग्स जो थे वो अब अपने पावर में आ रहे थे और अपनी इंडिपेंडेंट असर्ट कर रहे थे, यानी अपने आप को किंग उन्होंने बना लिया था। जो पहले मतलब किंग के नीचे ही एज अ सपोर्टर वर्क किया करते थे, अब वो क्या बन चुके हैं, वो खुद क्यों किंग बन चुके हैं और उनके पास एक बड़ा किंगडम है और डायनेस्टीज़ हैं। तो वो कहाँ से बनी है, यानी बड़े बड़े एम्पायर से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं समझना, और आपको यह मैप में दिया है वो भी हम समझेंगे। मैनी न्यू डायनेस्टीज़ इमर्ज्ड, नई नई डायनेस्टीज़ इमर्ज हो रही थी। व्हाट इज़ द डायनेस्टीज़? डायनेस्टीज़ मीन्स अ सीरीज ऑफ रूलर्स हु आर फ्रॉम द सेम फैमिली। डायनेस्टीज़ का मतलब होता है लाइक का कोई भी एरिया है, लाइक का इसके अंदर दिखा रखा है चहमान थे लाइक का, जो बाद में उनको चौहान बोला गया। तो ये आप जो देख रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ से लेकर कहाँ तक उनकी डायनेस्टीज़ है, या ये गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टीज़ है, या ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है, ये पाला डायनेस्टीज़ है। तो ये जो डायनेस्टीज़ इसमें दिखाई गई हैं, दैट मीन्स द सेम यहाँ पे जो फैमिलीज़ बिलोंग करती थी एंड फर्दर द रूलर्स ऑफ देयर सक्सेसर, तो उनके ही जो सक्सेसर थे और belong to the family and heredity हम कह सकते हैं, by birth से ही उनको ये सारी चीज़ें मिल जाती थी। तो यहाँ पे चाहे वो एरिया इंक्रीज़ करें या उनका कम हो रहा था या ज़्यादा हो रहा था, लाइक ये जो रेड बाउंड्रीज़ हैं, क्योंकि पहले कोई फिक्स तो होता नहीं था। अगर किसी राजा ने कुछ किसी एरिया को वहाँ पे एरिया उसको अपने में मिला लिया है तो उसका एरिया बढ़ जाता था। अगर वो एरिया कम हो रहा है, दैट मींस वो उस एरिया को वहाँ से क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है अपना। जो भी डिफ़ीट होती थी, वॉर्स होती थी आपस में रीज़न के लिए, तो यहाँ पे एक ये चीज़ें समझाने की कोशिश करी हैं। तो यहाँ ये मेन चीज़ है कि जो मैप फर्स्ट है वो शो कर रहा है, ये है आफ्टर द सेवन सेंचुरी, यानी सेवन सेंचुरी के बाद से डायनेस्टीज़ बनना स्टार्ट हो चुकी थी। मैप फर्स्ट में जो शो हो रहा है द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज़ इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द सेवन एंड द ट्वेल्थ सेंचुरी, यानी जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डायनेस्टीज़ मैप में शो की गई हैं, ये सभी सब कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं, और ये सेवन से लेकर ट्वेल्थ सेंचुरी के बीच का ही टाइम पीरियड है जिसमें ये सब चेंजेस आप देखेंगे। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट? सब कॉन्टिनेंट इंडिया को ही कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जो ये एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर इंडिया की जो एक पोजीशन है बहुत प्रोमिनेंट है, बिकॉज ऑफ हेयर जो यहाँ का हिमालयन है इन द नॉर्थ में, या गैंगेटिक प्लेन्स हैं और प्लेट्यू रीजन है, या फिर इंडियन ओशन में हमारी एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक पोजीशन है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन अराउंड ऑफ पेनिनसुलर पार्ट के जो सराउंडिंग में है। तो दैट इज़ द मीन्स ऑफ सदर्न एशिया कॉन्टिनेंट, जो ये रीजन है एशिया के अंदर कॉन्टिनेंट, पूरा कॉन्टिनेंट, और उसमें जो सदर्न वाला हम एशिया में इंडिया लाई करता है पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में, तो इसकी पोजीशन अपने आप में ही बहुत बेस्ट है, क्योंकि कोस्टल लाइन बहुत लंबी है और कोस्टल लाइन होने की वजह से ट्रेड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि हम यूरोपियन कंट्री से जुड़ सकते हैं, ईस्टर्न कंट्री से जुड़ सकते हैं, वेस्टर्न कंट्री और ईस्टर्न कंट्री दोनों के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ईस्ट जो हमारी कोस्टल लाइन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इस वजह से इसे हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, और इसीलिए ये सब कॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया ही है। अब यहाँ पे अब बात कर रहे हैं लाइक का, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेड जो बोला है फ्लैक्चुलेटिंग फ्रंटियर है, यानी फ्लैक्चुएट हो रही है, कभी बाउंड्री आपको बढ़ते हुए नज़र आएगी तो कभी कम होती जाएगी, क्योंकि अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टीज़ बनी है वो कौन से राजा को ओवरथ्रू करके बनी, और
किस तरीके से जो इस पे राष्ट्रकूटा पे पहले किस राजा का राइट था या कौन रूल करता था, दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन द स्टार्टिंग ऑफ द विद एग्जाम्पल, ये डायनेस्टी का ही एग्जाम्पल है और फर्स्ट टॉपिक में हम सबसे पहले इसी को रीड करेंगे एंड आप आफ्टर दैट द अदर्स डायनेस्टीज़ के बारे में रीड करेंगे। यहाँ पे तीन डायनेस्टीज़ दी हैं, वो हम वन बाय वन रीड करेंगे। द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डायनेस्टीज़, जिस तरीके से अब उभर के आ रही थी डायनेस्टीज़, न्यू डायनेस्टीज़, यानी अलग अलग रीजन्स में आप देखेंगे फैमिली का जो राइट था, जो रूलर्स थे उनकी एक सीरीज चल रही थी, अब ऐसा होने लगा था। 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंड लॉर्ड एंड वॉरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 7th सेंचुरी के टाइम की पीरियड की बात है कि जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स होते थे, ऑनर्स होते थे या वॉरियर्स के जो मुखिया होते थे, वो अलग अलग रीजन में, सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग रीजन में रहा करते थे, यानी इंडिया के अलग अलग पार्ट में ये इनका क्या होती थी, ऑनरशिप होती थी। एंड एग्जिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज दैम एज दियर सबॉर्डिनेट और द सामंतस। सामंतस कौन होते थे, जो सबॉर्डिनेट होते थे, जो हेल्प करते थे किंग की, जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे, जो उस टाइम पे किंग थे पूरे एम्पायर के, तो उनकी हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सबॉर्डिनेट होते थे, सामंत होते थे, जो उनको एज अ क्या करते थे, हेल्प करते थे, क्योंकि कोई भी राजा इतना बड़ा एम्पायर अकेला नहीं चला सकता। दे वर एक्सेप्ट टू ब्रिंग गिफ्ट्स फ्रॉम दियर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, वी प्रेजेंट एट दियर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद द मिलिट्री सपोर्ट। तो जो ये सामंत होते थे, सबॉर्डिनेट होते थे, ये अपने राजा के लिए गिफ्ट भी ले जाया करते थे, उनसे ये एक्सेप्ट किया जाता था। एंड जो उनके किंग्स हैं या ओवरलॉर्ड्स हैं, यानी उनके मालिक हैं, ऑनर हैं, और वो कोर्ट में भी उन प्रेजेंट होना होता था एंड प्रोवाइड देम मिलिट्री सपोर्ट, और जब भी सेना की वॉर में ज़रूरत पड़ेगी तो एज अ उनको मिलिट्री सपोर्ट भी ये सामंत दिया करते थे। एज अ सामंतास गेन पावर एंड वेल दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासामंतास एंड महामंडलेश्वरा। लेकिन जैसे जैसे ये पावर असर्ट करते गए, इनको पावर गेन करते गए, तो सामंत बहुत ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा हो गई, पावर इनके पास ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा पावर होने की वजह से, क्योंकि किंग इनके ऊपर डिपेंड है फॉर दियर एवरीथिंग, क्योंकि सपोर्ट कौन कर रहे हैं, सामंत कर रहे हैं, और जो सामंत आफ्टर द सम टाइम्स वो ये डिसाइड करने लगे, थिंकिंग करने लगे, अरे हम राजा को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा हम खुद ही ना राजा बन जाएं, तो ये उनके माइंड में चलने लग गई और उन्होंने बोला कि राजा हमारे बिना है ही क्या, तो राजा को तो उल्टा हम ही सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्यों करें, खुद ही किंग ना बन जाएं। तो ये सब सोच के वो अपने आप को महासामंत कहने लगे, मंडलेश्वर यानी ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रीज़न, यानी जिस रीज़न पे सामंत का राइट होता था वहाँ से वो वेल्थ लेते थे, रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, या फिर जो भी गिफ्ट वो राजा को ले जाया करते थे, उस रीज़न के वो अपने आप को मालिक बताने लगे कि भाई इस रीज़न पे तो हमारा अधिकार है, जिससे वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे फॉर द किंग के लिए। एंड समटाइम दे एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड, और उन्होंने असर्ट कर ली क्या इंडिपेंडेंट, अपने जो मालिक हुआ करते थे, ओवरलॉर्ड्स हैं या लैंड के ऑनर हुआ करते थे, या फिर हम कह सकते हैं किंग हैं, उनके नीचे उन्होंने काम करने से मना कर दिया और वो इंडिपेंडेंट हो गए कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, राजा से बोला। इसी का एक एग्जांपल यहाँ पे बोला है, विद मैप आप देख चुके हैं, राष्ट्रकूटा जो कि दक्कन प्लेट्यू में है, और इनिशियल दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के जो चालुक्यास थे वहाँ को ये सबॉर्डिनेट करते थे, राष्ट्रकूटा जो कि अब दक्कन में जो वहाँ का जो प्लेस है, जो कि वहाँ पे हम कह सकते हैं, तो उसका जो राष्ट्रकूटा असर्ट करी है पावर, किसने करी वहाँ पर, पहले इनिशियली पहले किसकी हुआ करती थी, चालुक्यास उस पर रूल किया करते थे, और वहाँ कर्नाटका की बात हो रही है उसके अंदर, जो ये है राष्ट्रकूटा। एंड मिड एटीन मीन्स यहाँ पे 8th सेंचुरी से पहले की बात हो रही है, यानी 750 की बात हो रही है।
ठीक है। एंड दंती दुर्गा नाम के एक चीफ थे, और अराष्ट्रकूटा चीफ ओवर थ्रू हीज चालुक्यास, उन्होंने अपने ओवरलॉर्ड को क्या कर दिया, वहाँ से ओवर थ्रू कर दिया, हटा दिया, क्योंकि पहले तो इनका राइट था। और दंती दुर्गा कौन थे, उनके इस राष्ट्रकूटा के जो कि कर्नाटका में था, जो कि अब तमिलनाडु है, तो वहाँ पे ये एज अ चीफ वर्क करते थे। कौन, दंती दुर्गा। तो दंती दुर्गा के मन में लालच आया, ग्रेडीनेस आई कि भाई हम तो पावरफुल हैं, हमें किसी राजा की ज़रूरत नहीं है। तो वो इनको उठा वहाँ से, सीट से हटा के खुद उस सीट पे बैठ जाते हैं और अपने आप को किंग डिक्लेयर कर देते हैं। कौन, दंती दुर्गा। एंड परफॉर्म अ रिचुअल कॉल्ड हरियाणा गरबा, और अपने आप को एक हरियाणा गरबा का मतलब होता है कि एक गोल्डन बॉम्ब, लिटरली मीन्स जो होता है कि अपने आप को एक रिचुअल परफॉर्मेंस के थ्रू, यानी जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं पूरी एक रीति रिवाज के साथ, और ये ब्राह्मण की हेल्प से की जाती है। यानी अगर आप रीबर्थ से क्षत्रिय नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आफ्टर दिस परफॉर्म, रिचुअल परफॉर्म, यू कैन बी आप क्या बन सकते हैं, आप क्षत्रिय बन सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यू बी अ पार्ट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन जो भी उसके अंदर चल रहे हैं राष्ट्रकूटा में, तो आप वहाँ पे एक लीगल रूलर बन सकते हैं। क्योंकि पहले ये माना जाता था कि जो रूलर है वो क्षत्रिय ही बन सकते हैं, लेकिन अगर आप बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं हैं तो हरियाणा जो गरबा एक परफॉर्मेंस है कि आफ्टर ये रिचुअल परफॉर्मेंस करने के बाद आप क्या बन जाएंगे, क्षत्रिय, और क्षत्रिय बनने के बाद तो आप रूलर बन ही सकते हैं। ये इसलिए परफॉर्मेंस करवाई जाती थी ताकि कोई वॉइस रेज ना करे अगेंस्ट टू समवन कि भाई आप कैसे राजा बन गए हो, आप तो क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं और आप तो वैश्य हो, या फिर कोई अदर, क्योंकि पहले तो सोसाइटी अलग अलग उसमें बटी हुई थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इस टाइप के परफॉर्मेंस वाय जो ऑक्यूपेशन होता था उसके बेस पे सोसाइटी बटी होती थी। तो अब राजा नहीं बनने का कोई रीज़न ही नहीं था कि अगर भाई उन्होंने परफॉर्मेंस ये कर ली तो दैट मीन्स आप क्या बन सकते हो, आप राजा बन सकते हो। तो इसी तरीके से जो दंती दुर्गा थे उन्होंने अपने आप को क्या बना लिया, एक राजा बना लिया। तो इस तरीके के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से न्यू न्यू किंग्स जो थे वो और विद किंगडम इमर्ज हो रहे थे। तो राष्ट्रकूटा जो ये एक डायनेस्टी का एग्जाम्पल है।